हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसका डेरिवेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस रे डायग्राम को स्केच करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको किसी भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहाँ पर फॉर्म की है ए डैश बी डैश पे, और ये जो इमेज है ये इमेज इस आई लेंस के लिए एक्ट करती है लाइक एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस के थ्रू यहाँ पे फाइनल इमेज बनती है। तो आप देख सकते हो कि ये छोटी इमेज है और ये इसकी साइज़ बड़ी है, मतलब मैग्नीफिकेशन हो चुका है, बट ये इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो मैग्नीफिकेशन पावर का डेरिवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विजुअल एंगल बाय इमेज एट आई लेंस, जिसको बीटा बोलते हैं। तो ये फाइनल इमेज है और इसने यहाँ पर ये विजुअल एंगल बनाया है, यहाँ पर कहीं पर हमारी आँख होती है जिससे हम यहाँ पे देखते हैं। ओवर विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई लेंस अल्फ़ा, और जो ये अल्फ़ा है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये विजुअल एंगल हो गया। तो अगर हम लोग इन बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत छोटा लें तो हम लोग अल्फ़ा बीटा की जगह लिख सकते हैं टेन बीटा और टेन अल्फ़ा, अगर इनके वैल्यूज़ अगर बहुत छोटी हो तो। अब हमारा काम होता है कि हम टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें और टेन बीटा की वैल्यू निकालें। तो पहले तो आप टेन अल्फ़ा टेन बीटा वाले ट्राइंगल देखिए, ये बीटा जो फॉर्म हो रहा है ये इस ट्राइंगल में फॉर्म हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको पता ही है कि टेन मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायग्राम में ये बीटा हो गया, यहाँ पे है ई, इसको बोला है हमने बी डबल डैश, और इसको बोला है ए डबल डैश। तो ये परपेंडिकुलर है एंगल के अपोजिट और ये हो जाएगा बेस, मतलब हम लोग टेन बीटा के लिए लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ई बी डबल डैश। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है टेन अल्फ़ा की, तो ये ट्राइंगल देखें यहाँ पे एक जो फॉर्म हो रहा है इस ट्राइंगल में, यहाँ पे है ओ बी और यहाँ पे दिया हुआ है ए, एंगल यहाँ पे है अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा मीन्स परपेंडिकुलर, तो एंगल के अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हो गई बेस, मतलब हम लोगों को लिखना है ए बी अपॉन ओ बी। तो ये टेन अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ओ बी। तो ये टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ई बी डबल डैश ओवर, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा एक वैल्यू हमको ए बी ओवर ओ बी। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं अपॉन में ए बी टाइम्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें टॉपिक में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ओ बी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, मतलब कि ये जो चीज़ है ये हम लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखनी चाहिए। तो ओ बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी, इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ई बी डबल डैश, ये रहा ई और बी डबल डैश, मतलब ये जो इमेज फॉर्म होती है तो इसको भी हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लेके आते हैं, मतलब ये जो ई बी डबल डैश है ये भी हो जाएगा डी, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन जो मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में आएगा ए और साथ में आ जाएगा बी। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें करेक्शन कर रहे हैं, हम इस मैग्नीफिकेशन को इस तरीके से लिख लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको ए डैश बी डैश से, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया ए डैश बी डैश से, और अपॉन में ये लिख रहे हैं डिनोमिनेटर जो पहले था ए बी। अब अगर आप इसको समझेंगे तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस आपको डिनोट होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश मतलब ये ए डैश बी डैश, और ये जो है ये इसके लिए इस लेंस के लिए कैसा बिहेव करता है लाइक एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनती है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस कह सकते हैं हम लोग। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें ए डैश बी डैश, तो ये रहा ए डैश बी डैश और ए बी अपॉन में ए बी, ये रहा ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो है इमेज है और ये है ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी एक तरीके से दे रखा है मैग्नीफिकेशन लेकिन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ओ। तो टोटल मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा एम ई मल्टीप्लाई बाय एम ओ। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है आई लेंस का और मैग्नीफिकेशन निकालना है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो मैग्नीफिकेशन आई लेंस के लिए हमारे पास
जो वैल्यू पुट करी है, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश रखी थी हमने। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, इस जगह वैल्यू जो है वो ई की है, ये एंगल जो है इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल दोनों के लिए सेम है, कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे जो ये है राइट एंगल है, मतलब इन दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो ये जो थर्ड एंगल है इन दोनों के, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एंगल एंगल कॉन्ग्रेंसी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन दो ट्राइंगल में। तो उस केस में हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश को लिख सकते हैं ई बी डबल डैश, ई बी डबल डैश। इसी तरीके से ए डैश बी डैश को लिख सकते हैं हम लोग ई बी डैश, ई बी डैश। तो चलिए अब ये जो ई बी डबल डैश है, ये जो लिखा है हम लोगों ने यहाँ तक का, ये जो है ये डिस ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस है जिसको हम बी डिनोट करते हैं, और आई लेंस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई लिखते हैं, लेकिन ये जो इमेज फॉर्म होती है ये लिस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है इसलिए डी लिखा। एक और बात कि इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है और हम सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और हमको यहाँ पे जाना है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ये जो है ये नेगेटिव साइन आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस डी आएगी। ई बी डैश देखिए ये जो है ये कैसा सर्व हो रहा है इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट जैसा सर्व हो रहा है, मतलब ये जो है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, आई लेंस की, इसलिए ई लगाया सबस्क्रिप्ट में, तो ये हो गया यू और साथ में ई। लेकिन हमारी लाइट जो है इंसिडेंट वो इधर जा रही है और हम जो है डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगी माइनस, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस वो हो जाएगा डी ओवर यू ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, या जो भी नंबर हमने फॉलो किया है वो करना है। अब हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ के लिए एक डायग्राम स्केच कर लेता हूँ। चलिए तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ पे मैंने एक डायग्राम स्केच कर लिया है। देखें ये दोनों जो एंगल है, हमने मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी, तो ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश। ये जो है ये इमेज फॉर्म करी है, किसने फॉर्म करी है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। यहाँ पे अल्फा है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के सामने है, तो अल्फा ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो सिमिलर हो जाएगा थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से एंगल एंगल कॉन्ग्रेंसी अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम लोग ए बी के प्लेस पे लिख सकते हैं ओ बी, यहाँ पे अपॉन में है हमारे पास ए बी, तो ए बी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग ओ बी, और ए डैश बी डैश के प्लेस पे लिख सकते हैं ओ बी डैश, ओ बी डैश। चलिए अब देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्योंकि ये इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज को हम बोलते हैं वी, इमेज की डिस्टेंस को, और कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए ओ, और क्योंकि हमारी लाइट जो है वो भी इधर जा रही है और हम भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हुए यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये होगी पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए सबस्क्रिप्ट में ओ, और क्योंकि हमारी लाइट जो है वो इधर जा रही है लेकिन हम लोग जो हैं लाइट रेज इधर जा रही है और हम लोग इधर जा रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वी ओ ओवर यू ओ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3rd हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस वी ओ ओवर यू ओ मल्टीप्लाई बाय डी ओवर यू ई। ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इसमें दो स्पेशल केसेस होते हैं, वो दो स्पेशल केसेस हमें देखने पड़ेंगे, और ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज जो है वो अपोजिट बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। चलिए अब दो स्पेशल केस है, उसमें से पहला स्पेशल केस है, पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो फाइनल इमेज की बात बन हो रही है, मतलब इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करेंगे, फाइनल इमेज जो है वो आई लेंस फॉर्म करता है इसलिए वी ई बोलेंगे, और वो कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे, इसलिए इसको डिनोट करेंगे डी से। एक लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू, आपको यहाँ पे यू ई की वैल्यू लेके आनी है आगे, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई। तो देखिए ये तो एफ ई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वी ई, और हमें वन अपॉन यू ई की वैल्यू फाइंड करना है। एक यहाँ पे साइन देखना पड़ेगा, देखिए ये जो यू ई मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं यू ई, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं वी ई, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी से।
ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू ई। तो ये जो आप चाहें तो डी से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डी अपॉन यू ई की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे इक्वेशन को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, ये डी डी और यहाँ पे भी डी, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो हो रहा है डी अपॉन यू ई इज इक्वल्स टू वन डी ओवर एफ ई। और देखिए वी ई और ये सॉरी डी और वी ई की जो वैल्यू है वो भी क्या है, डी है, मतलब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस डी वी ई की वैल्यू भी रखी डी, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया वन प्लस डी ओवर एफ ई। इस तरीके से जो मैग्निफिकेशन आया है हमारे लिए इस इक्वेशन से, हम लोग वैल्यू लेके आ गए डी ओवर यू ई की, तो वो हो जाएगा माइनस वी ओ ओवर यू ई मल्टीप्लाई बाय वन प्लस डी ओवर एफ ई। अब इस केस में आपको फाइंड करना होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। तो देखिए इसने इमेज कहाँ पे फॉर्म करी, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है वी ओ, क्योंकि इसने इमेज फॉर्म करी है, तो इतनी लेंथ तो होगी ट्यूब की। और क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की फाइनल इमेज की वो कहला रही है डी, तो वो हो जाएगी डी ई वी ओ, सॉरी एक्चुअली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की ले जाएगी, तो ये हो गई वी ओ और ये हो गई यू ई, ये हो गई लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। चलिए लास्ट केस जो है हमारा, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है मतलब वी ई जो है वो कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी पे। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेंस से इमेज भी इस टाइप लाइट उधर जा रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो भी इधर ही रखा हुआ है, इसलिए दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो क्योंकि ये माइनस माइनस इसको कन्वर्ट कर देगा प्लस में, हमारे पास बचेगा वन अपॉन एफ ई, और ये जो माइनस है ये एज इट इज़, और वी ई के प्लेस पे रखना है हमें इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन हो जाएगा यू ई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, मतलब वन अपॉन यू ई वन अपॉन एफ ई हो जाएगा। और क्योंकि हमको तो वैल्यू फाइंड करना है डी अपॉन यू ई की, तो यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी डी से मल्टीप्लाई, तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो मैग्निफिकेशन हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ ओवर यू ओ मल्टीप्लाई बाय डी ओवर एफ ई। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि अगर फोकल लेंथ पे, मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इस केस में अगर हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब निकालें तो ये जो यहाँ से इस लेंस ने इमेज बनाई यहाँ तक की, तो मतलब इमेज के डिस्टेंस को कहेंगे वी ओ, लेकिन ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, इस लेंस के फोकस पे, इससे क्लियर हो जाता है। देखें अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यू ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ई, मतलब ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे, आई लेंस के फोकस पे। तो ये जो यू ई था पहले जो हम लोगों ने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब निकाली थी उसमें यू ई लिखा था, उसकी जगह पे हम लोग लिख दें एफ ई, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब इन केस टू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।